जी अभी सनसेट हो रहा, देखो कितना सही लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। ये देखो, ये देखो भाई, इस साइड से एक साइड ब्लॉक थी, अभी खुल गई है। हेलो जी, जय माता दी। सो अभी इस टाइम ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 बजे। 3 बजे इसलिए ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं भद्रवाह किसी काम से, मैं और पापा जा रहे हैं। तो बाकी आदि, उसकी मम्मी, मेरे मम्मी और रवि यहीं पर रहेंगे। रवि आज वैष्णो माता जाएगा और मैं और पापा जा रहे हैं। पहले पापा चला रहे थे गाड़ी, अभी मैं चला रहा हूँ पापा को। जबकि जैसी आ रही बड़े नींद आ रही है क्योंकि इनका दोपहर का टाइम होता है अभी सोने का। सो अभी मैं चला रहा हूँ, तो निकलते हैं। तो सो इस टाइप अभी हम दार रोड के पास है, गोल मेला जिसको बोलते हैं। तो अभी जाम लगा हुआ है, तो ट्रक वगैरह यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं। डबल डबल करके लाइन लगाई है हमें कुछ उस साइड में, और ये बस हमारे आगे है उधमपुर की। तो हम 10-15 मिनट हो गए हमें रुके हुए, अब कितना लंबा जाम है कोई पता नहीं है। तो अभी हमें भद्रवाह पहुंचना है, कितने बजे पहुंचेंगे कोई पता नहीं। सो फाइनली रास्ता खुल गया है। तो बहुत ज़्यादा जाम था क्योंकि अभी ट्रक रोके हुए हैं काफ़ी पीछे तक, तो आगे बिल्कुल भी ट्रक नहीं है। शायद इनकी टाइमिंग 4 बजे के बाद ही है, कोई पता नहीं यार, रात को भी छोड़ते हैं शायद से। तो अभी तो फिलहाल खुली रोड है, शुगर है कोई 15-20 मिनट तक ही रहे हम, ज़्यादा रहते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। डर था वही हुआ, अभी उन्होंने ट्रक छोड़े हुए हैं ट्रैफिक वालों ने। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हमने गलती की, हमने यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से नीचे वाली साइड से रॉन्ग साइड से जाना चाहिए था। अब देखो ये डबल डबल लाइन लगी हुई है। पापा मुझे बोल भी रहे थे कि भाई नीचे से चल, नीचे से चल, मैं ध्यान नहीं रहा। अब पता नहीं कितने, 1 घंटे से तो वैसे फंसे हुए हैं, देखते हैं क्या बनता। सुबह ये देखो कितना जाम लगा हुआ है कि देखो ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये पीछे कहीं पर यहाँ पर ये जाके कहीं पर यहाँ फंसी हुई है। सोचो इतना जाम है कि एम्बुलेंस निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अब रास्ता दे तो दे कैसे उसको, क्योंकि ये तो डबल लाइन है, डबल लाइन में अब जाए तो जाए कहाँ, डबल डबल गाड़ियाँ लगी हुई, डबल डबल लाइन लगी हुई हैं। हमें तो 2 घंटे हो गए जाम में फंसे हुए। सो हमने नीचे वाला रास्ता चूज़ किया, ये वाला रास्ता जो पुराना रास्ता है, और ऊपर इतना जाम है, इतना जाम है। ये देखो आगे आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं, ये देखो मेरा जाम लगा हुआ। काफ़ी टाइम बाद इस रूट से हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे टनल बना हुआ था, टनल की वजह से हमें जल्दी हो जाती है। और यहाँ से कम भी 9 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, इतना ही पड़ता ना बाबा जी, इतना ही पड़ता फ़र्क। और अभी देखो अभी हमें अंधेरा हो गया है, तो अभी इस रूट से चले जा रहे हैं, तो अभी खुद भी नहीं पहुँचे। सोचो कितना लंबा रास्ता ये, तो मैं पता नहीं मुझे कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए। तो अभी तो चले जा रहे हैं, फिलहाल तो खुद पहुँच गए, मुझे पता नहीं था गाड़ी चला जाते पता नहीं लगे। ये देखो खुद अभी खुद पहुँचे हैं, तो कब पत्नीटॉप और कब नीचे पटौत। लो जी अभी सनसेट हो रहा, देखो कितना सही लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। ये देखो तो यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे सुना रहे थे कि अभी नीचे तक ये जो नाका आपने देखा होगा, पुराना नाका है जहाँ से श्रीनगर के लिए जाते थे, तो वहाँ तक है ये जाम लगा हुआ है। सो अभी देखो क्या बनता है आगे,
मुझे लगता है हम 8-9 बजे पहुंचेंगे भद्रवाह। ये देखो जाम, बुरा जाम लगा हुआ है। बस मेरी इस बात है। ये देखो भाई, इस साइड से एक साइड ब्लॉक थी, अभी खुल गई है। और ये सुनसान सा एरिया। सो गाइस देखो यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है, ये देखो। और यहाँ से ये दिख रहा नीचे, यहाँ पे लंबा जाम लगा, एक साइड से तो खुला है लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों डबल डबल लगा हुआ है। अब यहाँ से ये साइड खाली हो तो हम निकलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये इस साइड ये बहुत जाम लगा हुआ है यहाँ पे। सो फाइनली रास्ता देख के हम भी निकल गए हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, हमें मिलती है साइड नहीं मिलती कि क्या, देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो अभी चले ही है, आगे से दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। फिलहाल अभी तो रास्ता साफ है लेकिन देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी अंधेरा हो चुका है, अभी 6:11 हो चुके हैं। सो हम लोग अभी पहुंच गए ये सोठा विलेज में, तो अभी बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो पहले चलते हैं घर में, तो जहाँ हम आए हैं वहाँ पर चलते हैं, तो फिर बाद में। क्योंकि अभी देखो मुझे फ़ोन की लाइट ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। तो चलते हैं, तो फिर सुबह बातें करते हैं आपसे। जी गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं उठ गया हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का गाँव जहाँ में रात को हम पहुँचे थे। ये देखो जी, ये है सोठा गांव और इस साइड है मेरी नानी का गांव भाड़ा। ये दिख रहा होगा आपको। तो रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे और गाड़ी हमने इस घर के पास लगाई है। सो जी नहा धो के ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं किस काम के लिए आए थे। सो जिस काम के लिए हम आए थे कल, तो वो अभी काम आपको दिखाते हैं जहाँ पे अभी जा रहे हैं। और साथ में मुझे मेरा फ्रेंड मिला एक ये सोठा विलेज में, तो यहीं पे इनका घर है। तो अभी दिखाते हैं आपको कि हम किस काम के लिए आए हैं। जी हम पहुँच गए अभी अपने साइट पे। देखो ये नया हमने हमारा प्रोजेक्ट है, और ये देखो इस प्रोजेक्ट का मालिक, ये देखो ये छोटा सा मालिक के प्रोजेक्ट का, ये है काम यहाँ पर। बिल्कुल रोड के साथ है, और यहाँ पे आज हम इसका हमने वो प्लान लेके आए हैं, हम इसका इधर निशान देंगे। ये पूरी कटाई कर रखी है जेसीबी से। सो यहाँ पे मेजरमेंट चल रही है अभी जगह की, या अभी इसको मेजर करके पूरा ओके कर देंगे, पूरा लेवल कर देंगे, फिर इस पर चूना वगैरह डालेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर जेसीबी आगे काटेगी इसको। सो ये निशान वगैरह लगा दिए, ये देखो ये पूरा अब तैयार हो चुका है। अब इसको खोदना है और 2-4 दिन बाद भर देंगे इनको। सुबह से यही काम कर रहे थे हम, बस नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया हमारा। और पीछे देखो व्यू कितना सही आ रहा, मौसम भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। ये लोकेशन यहाँ की, ये रोड जाते यहाँ से जाता है सीधा द्रफड़ा। सो जी मौसम हो गया ख़राब, बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, तो हमारा काम हो गया ख़त्म। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।